फ्रेंड्स, वैष्णवी रसोई में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया। प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे पहले तो रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कोशिश रहता है कि मैं हमेशा न्यू ट्रिक से आपके लिए नई रेसिपी लाते रहूँ और ये मैं हमेशा लाती रहूँगी। आज मैं बनाने जा रही हूँ फोकाजिया। पूरा वीडियो देखिए फ्रेंड्स, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैंने हॉट वाटर ले लिया है, 4-5 टेबलस्पून मैं यहाँ डाल देती हूँ। ये देखिए, मैंने ईस्ट ले लिया है 1 टेबलस्पून, इसे भी डाल देती हूँ। 1 टेबलस्पून सुगर पाउडर, पीसी हुई चीनी, इसे भी डाल देती हूँ। अब इसे नाइसली हमें मिक्स कर लेना है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए एक गर्म जगह पे ढक कर रख देते हैं। उसके बाद हम अभी नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तब तक ये फर्मेंट हो जाएगा। देखिए, मैंने एक बॉल ले लिया है। अब मैं इसमें 1 कप पर्पस फ्लावर मैदा डाल रही हूँ। टेबलस्पून नमक, ये स्वाद के अनुसार डालना है। अब इसे हम स्लोली मिक्स करते हुए, ईस्ट को डालते हुए मिक्स करते जाएंगे। इसे अच्छे से डो बना लेना है। ये देखिए, हमारा डो रेडी हो गया है। अब हम इसे फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। इसे अच्छे से कवर करके गर्म जगह पे इसे हम 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे। अगर जल्दी ना हो तो ओवरनाइट भी रख दीजिए तो ज्यादा बेटर है। तो अब हम इसे रख देते हैं। ये देखिए, ये मेरा अच्छे से फर्मेंट हो गया है, आप देख सकते हो। अब मैं इसे पिंच करूंगी और इसे अच्छे से नीट कर लूंगी। इसे देखिए, मैंने अच्छे से नीट कर लिया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक तरह का टीन ले लिया है, मोल्ड। अब यहाँ पे मैंने गार्लिक और बटर का मैंने यहाँ पे पेस्ट बना लिया है। इसमें मैंने चॉप गार्लिक डाला है 5 से 6 और बटर है। तो अब मैं इसे अच्छे से ग्रीस कर देती हूँ। पहले अच्छे से ग्रीस कर लेना है। इसे देखिए, मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब जो हमारा डो था, अब मैं इसमें अच्छे से डाल दूंगी। ये देखिए, इसे अच्छे से फैला देना है। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से फैला दिया। अब मैं ये बटर गार्लिक फिर से इसके ऊपर स्प्रेड करूंगी। अच्छे से नाइसली स्प्रेड कर देना है। ये देखिए, मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया। अब यहाँ पे मैंने कुछ वेजेस ले लिए हैं, कैप्सिकम, येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर और ऑलिव। अब मैं इसे अच्छे से नाइसली इसमें डेकोरेट कर दूंगी। जैसे भी रैंडमली इसे पुट कर देना है। मैंने इसे पुट कर दिया है। अब इसमें मैं ऑलिव कहीं पुट करूंगी। अब मैं इसमें लास्ट ये जो बचा हुआ गार्लिक और बटर का पेस्ट है, इसे कहीं भी स्प्रेड कर दूंगी रैंडमली वेजेस में अच्छे से। ये देखिए मैंने अच्छे से इस पर स्प्रेड कर दिया सारा बचा हुआ गार्लिक और बटर का पेस्ट। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रेड कर रही हूँ। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, से इटालियन सीजलिंग, अब ये बेक होने के लिए रेडी है। तो चलिए हम बेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने कढ़ाई पहले से 15 मिनट पहले प्री होने के लिए रख दिया था। हमारा कढ़ाई प्री हीट हो चुका है। तो अब मैं इसमें अपना ये फोकाजिया डाल देती हूँ। मैं इसे अच्छे से ढक देती हूँ और इसे ढककर हमें इसे 15 से 20 मिनट तक मीडियम आंच पे पकाना है। 15 मिनट हम मीडियम आंच पे पकाएंगे एकदम, और 5 मिनट हाई फ्लेम आंच में इसे हम पकाएंगे। तो अब इसे हम बेक होने के लिए छोड़ देते हैं। ये बेक होगा। बीच बीच में आप इसे 10 मिनट बाद एक बार चेक जरूर कीजिएगा। तो अब बेक होने देते हैं। ये देखिए हमारा 20 मिनट्स हो गया है। मैंने इसे 15 मिनट मीडियम आंच में पकाया और 5 मिनट हाई फ्लेम में पका लिया है। अब ये मेरा अच्छे से बेक हो चुका है। तो अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये बहुत अच्छे से बेक हो गया है। यहाँ देखिए मैंने एक टूथपिक ले लिया है। इसे कहीं भी रेंडमली घुसा कर चेक कर लेना। देखिए ये नहीं चिपक रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा अच्छे से बेक हो चुका है, ये पक चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम इसे सर्व करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा फोकाजिया बनकर रेडी हो गया है एकदम से इटालियन फ्यूजन के साथ। ये बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी होता है फ्रेंड्स। एक बार तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक दीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में ही एक बेल आइकन है उसे क्लिक कर दीजिए, जिससे आए हुए मेरे सारे रेसिपी के अपडेट आपको मिलते रहेंगे फ्रेंड्स। और बाकी की रेसिपी की लिंक चेकआउट करनी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे क्लिक कीजिए, आपको बाकी की लिंक मिल जाएंगे। तब तक के लिए आप फोकाजिया को एंजॉय कीजिए और तब तक के लिए बाय। बी हैप्पी, बी हेल्दी, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।